नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे समर्सिबल मोटर को ओपन करना। देखिए, समर्सिबल मोटर का जब आप ऊपर से जब यहाँ पे ये जो जंग या जो मिट्टी होती है इसको आप हटाएंगे तो आपको यहाँ पे इसके जो है स्टड या जो इसके नट बोल्ट जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें दो तो दे रखे हैं पानी के लिए, पानी डालने और निकालने के लिए। बाकी आपको और इसमें तीन की मिलेगी, उन तीनों की को आपको जो है वो खोलना पड़ेगा एल की से। ठीक है, एल की से आपको खोलना पड़ेगा ये तीनों जो इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले आप मोटर का जो है मोटर को उल्टा करके उसका पानी ज़रूर निकाल लें। और ये चार स्टड जो ऊपर हैं ये पंप के लिए होते हैं, तो आपको एल की का यूज़ करना है। हर मोटर में अलग अलग दे रखे, हो सकते किसी में चार हों, ज़्यादातर इसी मोटर में जो होते हैं सिंगल फेस मोटर में हों तीन होते हैं। तो इस तरह से हम इनको जो है खोल लेते हैं। देखिए, समर्सिबल मोटर कई तरह की होती है और कई तरह से भी खुलती है, तो ये वीडियो आपको आपके लिए बहुत काम आएगी। अगर आप नए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये की निकालने के बाद, ठीक है, आपको जितनी भी की है वो सभी निकाल लेनी है। ठीक है, हम पिछला हिस्सा खोलेंगे। पिछले हिस्से पे पहले चोट मार ले प्लास्टिक हथौड़ी से, लोहे की हथौड़ी से चोट नहीं मारनी चाहिए, समर्सिबल मोटर पर ध्यान रहे। और प्लास्टिक हथौड़ी पे चोट मारने से जो है पीछे का हिस्सा ये थोड़ा ढीला हो जाएगा और आप इसमें, ठीक है, फिर लेफ्ट साइड चोट मार करके इसको जो है ओपन कर सकते हैं। तो ये पीछे का हिस्सा निकल गया, इसमें प्लेट होती है थ्रस्ट प्लेट और यहाँ पे लगा हुआ है बेरिंग। ये बेरिंग उस प्लेट के ऊपर चलता है और उससे ऊपर है लोक, तो हम लोक हटा लेते हैं। सबसे पहले हमें लोक को हटाना होगा, फिर बेरिंग को निकालना होगा। तो हम लोक को हटा लेते हैं। इसके नीचे दो छल्ले डले हुए, उन छल्लों को अगर हम ऊपर ले आते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो छल्ले हैं थोड़े, ये इनको निकलने में, ठीक है, निकलने नहीं देता इसको ही। अब इस सांप पे हम हल्के से चोट मारेंगे, लोहे से चोट बिल्कुल भी ना मारे, और बेरिंग को जो है आपको निकाल लेना है। अब यहाँ पे आपको तीन स्टड देखने को मिलेंगे और तीनों को आपको एल के द्वारा जो है खोल लेना है। ठीक है, हम इसको खोल लेते हैं बारी बारी से तीनों को। तीन ऊपर मिलेंगे आपको, तीन नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो उनको सभी को खोल ले। ऊपर की जो साइड है उसको हम बाद में निकालेंगे, पहले नीचे का साइड हम खोल लेते हैं। और इसकी फिटिंग कैसे करते हैं वो भी हम, उसका भी एक वीडियो डाल देंगे। बहुत से भाई को दिक्कत होता है, जो नए नए भाई होते हैं उनको दिक्कत होती है, तो उनके लिए ऐसी वीडियो सब जो होती हैं बहुत काम आ जाती है, इसलिए हमने सोचा इस वीडियो को बना के थोड़ा डाला जाए, थोड़ा सा बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक की खुल गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये निकल नहीं रहा, लेकिन हम मोटर को उल्टा करेंगे तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, खुल गया है तो आपको क्या करना है, जो हिस्सा है इस पर आपको हल्के से चोट मारना और छीनी से चोट मारना। तो छीनी से जब आप चोट मारेंगे तो हिस्सा आराम से बाहर की तरफ जो है निकल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे बुश निकल गया है ये, ओके। और बुश के बाद यहाँ पे है रोटर, मोटर का रोटर हमने जो है निकाल दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट आपको देखने को मिलेगी और यहाँ इस प्लेट के ऊपर जो है क्या है, लोक लगा हुआ है। ठीक है, तो लोक को आपको कैसे करना, पेचकस की मदद से जो है बाहर निकाल देना है। तो एक पतला पेचकस हमने लोक के अंदर डाला है और एक पेचकस से हम जो हम इसको उठाएंगे और ये इजीली आराम से जो है ऊपर की तरफ जो है निकल जाएगा। और इसको ध्यानपूर्वक निकालना चाहिए, कई बार ये ऊपर की तरफ उछट भी जाता है। तो इसको निकालने के बाद हमारा ये जो प्लेट है ये निकल गया है,
अब इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। अब दूसरी साइड के आपको वो तीनों की खोलने के बाद आपको क्या करना है, तीन की होते हैं, तीन की खोलने के बाद आप यहाँ पे भी हल्की हल्की चोट मार सकते हैं और आराम से जो है ये निकल जाएगी। एक दूसरा तरीका और है, आप मोटर के अंदर पीछे से कोई लकड़ी डाल करके जो है पीछे से और उस पर चोट मारने से और आसानी से निकल जाती है और कोई इसको चोट भी नहीं पहुँचती, कोई नुकसान भी नहीं होता। तो हमने पीछे से इस पर चोट मार करके जो है इसको निकाल लिया है। आप दोनों तरफ से कहीं से भी इसको जो है निकाल सकते हैं और निकालने के बाद देख सकते हैं सेम तरीके से मोटर हमारी ओपन हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।